ये कलयुग है जनाब, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जो आप सोच सकते हैं वो भी, और जो आप नहीं सोच सकते वो भी। जहाँ त्रेता युग में लोग बस भगवान राम की चरणों की धूल को पाकर खुद को भाग्यशाली मानते थे, तो वहीं कलयुग में लोग खुद को ही भगवान बता देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, तो रुकिए ना, बताती हूँ जल्दी किस बात की है। दरअसल दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी जब सीएम की कुर्सी संभाली तो उनकी कुर्सी के साथ एक और कुर्सी लगी हुई थी, जिसे उन्होंने अरविंद केजरीवाल की कुर्सी बताया और कहा कि इस कुर्सी को उनका इंतजार रहेगा। आतिशी ने कहा, जैसे राम के वनवास जाने के बाद भरत ने खड़ाऊ रखकर अयोध्या का सिंहासन संभाला, मैं उसी तरह दिल्ली सीएम की कुर्सी संभालूंगी। अब इस बयान के बाद से सभी पार्टी आप पर, यानी कि आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप भी लगा रहा है। तो कैसे आतिशी अपने दिए गए बयान की वजह से घिरती नजर आ रही है, बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद से दिल्ली की राजनीति में घमासान मचा हुआ है, और खासकर तब से जब से आतिशी ने खुद को भरत और केजरीवाल को राम बताया है। अब इस बयान पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। आकाश आनंद ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के इस कदम को भारत के संविधान का उल्लंघन बताया। उन्होंने उनके पीछे लगी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को लेकर भी कहा कि उनकी तस्वीर लगाकर आतिशी जिस तरह खड़ाऊ रखकर शासन करने की बात कर रही है वो धोखा है, क्योंकि इससे लगता है कि वो अरविंद केजरीवाल को संविधान से कहीं ऊपर रखती हैं। आकाश आनंद ने क्या कहा? बसपा नेता ने लिखा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर लगाकर अरविंद केजरीवाल का खड़ाव रखकर अयोध्या के शासन का सपना देख रही श्रीमती आतिशी सिंह की यह तस्वीर गुमराह करने वाली है, तथा उनके शब्द संविधान के शपथ का उल्लंघन है, क्योंकि उनकी आस्था श्री अरविंद केजरीवाल जी के प्रति ज्यादा दिख रही है, न कि भारत के संविधान के प्रति। इससे पद की गोपनीयता प्रभावित होगी। ये दिल्ली की जनता के साथ धोखा है। खड़ाऊ रखकर बनी सीएम। आतिशी ने तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद को संभाल लिया। इस दौरान उन्होंने अपने साथ एक और कुर्सी खाली छोड़ दी। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि इस कुर्सी को अरविंद केजरीवाल का इंतजार रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि जैसे राम के वनवास के बाद भरत ने खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला था, मैं भी उसी तरह दिल्ली की सीएम की कुर्सी संभालूंगी। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने आतिशी को दिल्ली का नया सीएम चुना। आतिशी के नाम का जब ऐलान किया गया तभी उन्होंने कहा था कि वो आगामी चुनाव तक ही सीएम रहेंगे। चुनाव के बाद दोबारा जब आपकी सरकार बनेगी तो अरविंद केजरीवाल ही सीएम बनेंगे। बीजेपी का आप पर तीखा वार। आतिशी के बयान पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, इस हरकत से आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की गरिमा के साथ ही दिल्ली की जनता की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। ये कोई आदर्श नहीं है, सीधी भाषा में चापलूसी है। केजरीवाल बताएं क्या सरकार रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे। आतिशी के बयान में श्रीराम भरत का जिक्र। सीएम आतिशी मार्लेना की दो ऐसी बातें जिसके बाद घमासान मच गई है। पहली बात है, भरत की तरह चार महीने शासन चलाऊंगी। आतिशी ने कहा, आज मैंने दिल्ली के सीएम का कार्यभार संभाला है। आज मेरे मन में वही व्यथा है जब भगवान श्री राम 14 साल के लिए वनवास गए थे। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले चार महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। वहीं दूसरी बात, केजरीवाल के अंदर राम की तरह मर्यादा है। आतिशी ने कहा, भगवान श्री राम ने एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया था, इसलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सब के लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। नए सीएम को मिला पहला झटका।
दिल्ली की नई सीएम आतिशी ने सोमवार को कार्यभार ग्रहण किया। हालांकि कार्यभार संभालने के कुछ ही देर बाद उन्हें पहला झटका लग गया। बतौर सीएम आतिशी का पहला हस्ताक्षरित आदेश ही उन्हें कुछ घंटे के बाद वापस लेना पड़ा। बताया जा रहा है कि ये आदेश अब दोबारा नए सिरे से जारी होगा। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि आतिशी ने सीएम के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति को लेकर यह आदेश जारी किया था। वहीं आपको याद दिला दूं कि जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से रिहाई के बाद बाहर आए थे तो सबसे पहले भगवान के दर पर पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बाद शुक्रवार को तिहाड़ जेल से रिहा हुए केजरीवाल ने दिल्ली के कैनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा की थी और भगवान का आशीर्वाद लिया था। इस दौरान उनके साथ सुनीता केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और दिल्ली के कई मंत्री मौजूद थे। वहीं जब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने शपथ ली उसके बाद पहली बार वे भी हनुमान जी के दर्शन करने के लिए उसी कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि पिछले 2 सालों में आम आदमी पार्टी और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बहुत षड्यंत्र रचे गए, लेकिन हनुमान जी ने हर संकट से हमारी रक्षा की। आने वाले चुनाव के बाद एक बार फिर केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी पर हमलावर हुए थे सीएम। इस दौरान उनसे सवाल किया गया कि उन्होंने भगवान से क्या मांगा। तब मुख्यमंत्री आतिशी ने जवाब दिया कि आज मैंने कैनॉट प्लेस के इस प्राचीन हनुमान मंदिर में दर्शन किए। हनुमान जी हमारे संकट मोचन रहे हैं। पिछले 2 सालों में आम आदमी पार्टी पर, दिल्ली सरकार पर, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी पर हर तरीके के हमले हुए। हमारे दुश्मनों ने कोशिशें की कि हमें तोड़ दी जाए, हमें दबा दिया जाए, हमें चुप करा दिया जाए, दिल्ली वालों के काम रोक दिए जाए, लेकिन हनुमान जी ने हर संकट में आम आदमी पार्टी की रक्षा की है। अरविंद केजरीवाल के लिए मांगी दुआ। उन्होंने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की रक्षा की गई है, दिल्ली सरकार की रक्षा की गई है और दिल्ली वालों की भी रक्षा हुई है। तो आज हनुमान जी से मैंने एक ही चीज मांगी है कि जिस तरीके से उनका आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहा है वैसा ही बना रहे। हम उनके आशीर्वाद के साथ दिल्ली वालों के साथ काम करते रहे और उनके आशीर्वाद के साथ आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाए। इन शर्तों पर मिली केजरीवाल को जमानत। वहीं अदालत ने अरविंद केजरीवाल को कुछ शर्तों के साथ ही जमानत दी थी, जिसके बाद उन्होंने आतिशी मार्लेना को मुख्यमंत्री पद संभाल दिया। जैसे अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होते हुए भी मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं जा सकते, किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते, इस मामले में जांच को लेकर कोई बयान भी नहीं दे सकते और जांच में रुकावट डालने और गवाहों को प्रभावित करने की भी कोशिश नहीं कर सकते। ये वो शर्तें हैं जिनके आधार पर अरविंद केजरीवाल को इस मामले में रेगुलर बेल मिली है। आतिशी ने कब ली सीएम पद की शपथ। 17 सितंबर को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। उसी दिन विधायक दल की बैठक में आतिशी को विधायक दल की नेता चुना गया। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 21 सितंबर को आतिशी मार्लेना ने 5 कैबिनेट मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता चाहे जाने वाले अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या फिर संजय सिंह, खास मौके पर कैनॉट प्लेस के इसी प्राचीन हनुमान मंदिर आते रहे हैं। वहीं बीजेपी के नेता ने कहा है कि आतिशी मार्लेना और अरविंद केजरीवाल फिर से इतिहास को दोहराना चाहते हैं। वो दिल्ली में लालू राबड़ी और सोनिया मनमोहन मॉडल लाना चाहते हैं। ये राम राज्य को करप्शन राज्य बनाना चाहते हैं। दिल्ली की जनता का इतना अपमान क्यों? एक रबर स्टाम्प पपेट सीएम को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाया गया। यह आज साबित हो चुका है कि आतिशी जी करप्शन करने के लिए केजरीवाल के ऑर्डर लेंगे, काम ना करने के लिए अरविंद केजरीवाल के ऑर्डर लेंगे। दिल्ली की जनता को केवल त्राही त्राही झेलनी पड़ेगी। आज दिल्ली की जनता बनाम आम आदमी पार्टी हो चुका है। अरविंद केजरीवाल और आतिशी दिल्ली की जनता से इतनी नफरत करते हैं कि अस्थाई मुख्यमंत्री भी नहीं दे सकते। दिल्ली की जनता कह रही है कि हमारा अपमान जो आप कर रहे हो, आने वाले चुनाव में हम आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना को सबक सिखाएंगे। अब इन तमाम मुद्दों के बीच आपको क्या लगता है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।